हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ी है और उस वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस एंड हमने बात करी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, राइट। आज हम बात करेंगे जब हम मोशन में होते हैं तो क्या होता है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, ठीक है, मोशन हुआ है इसके अंदर, राइट। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है तो ये क्या बोलेंगे इसको, किसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कुछ ना कुछ पाथ कवर किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसकी पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है और आपका ये है स्कूल, ठीक है। क्या आपका घर और आपका स्कूल पूरी एक स्ट्रेट लाइन में है? नहीं। क्या होता है, बीच में रोड्स आती हैं। मान लीजिए आपके घर से लेके आपके स्कूल का रास्ता जो है वो इस तरीके से है, ऐसे आप पूरा का पूरा इस तरीके से गए हैं, ठीक है। रास्ते में रोड भी आती हैं, गलियां भी आती हैं, मुड़ते हो कहीं भी, राइट। तो ये आपसे आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का ये रास्ता है, ठीक है। तो अब आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या आप अपने घर से स्कूल की छत पर ऐसे ही जंप जंप कर जाओगे? नहीं ना, आप तो यही कवर करोगे ना, पूरी की पूरी लेंथ कवर करोगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ की लेंथ, रास्ते की लेंथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसे हम बोलेंगे जहां से स्टार्ट किया उसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट, एंड जहां हम पहुंच जाते हैं दैट इज अ फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं ये है 100 मीटर, ये है 200 मीटर, ये है 500 मीटर, 200 मीटर, इस तरीके से मैं इसको लिख लेती हूँ एक बार के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करिए ऐड, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 20, 200 मीटर, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस, और 2.2 किलोमीटर, ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, या आप कह सकते हो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और वो भी कौन सा, छोटे वाला। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आप अपने घर के टेरेस पे खड़े हुए हो और स्कूल के टेरेस का ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ और आपको वो दिखाई दे रहा है, तो आपकी आईज से लेकर उस फ्लैग तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये सब चीजें हमने नहीं देखी है, हमने क्या देखी है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हमने 9th में पढ़ रखा है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में भी बात करी थी, याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ स्केलर एंड कुछ वेक्टर चीजों के बारे में। हमें पता है स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैग्नीट्यूड होती है, एंड वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। आप आ चुके हो 11th में और अभी तक भी आई एम श्योर कि 90% बच्चों को मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ में आया होगा। जहां मैग्नीट्यूड आता है वो घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है। तो ध्यान से, सीधी सी बात है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं लाइक फ्रेंड्स, तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, जस्ट अ नंबर, एक नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ अरे कितना टाइम हुआ, आप कहोगे 5 o'clock हो गया, वट इज 5, 5 इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा ये कितना लंबा है, अरे ये ना 10 cm लंबा है, वट इज 10 cm, 10 cm इज अ मैग्नीट्यूड।
घर से लेकर स्कूल तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2.2 किलोमीटर, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से कह सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर नंबर अगर हम एज अ फ्रेंड्स में बात करते हैं, अदरवाइज मैग्नीट्यूड की प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है जहां आपको जाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हमने समझ लिया सिंपल लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड का मतलब। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में? अगर मैं आपसे पूछती हूँ टाइम क्या हो गया, आप कहोगे 5 बज गए, तो मैं पूछूंगी किस डायरेक्शन में 5 बजे हैं? नहीं ना। तो जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि अभी अभी मैंने टाइम का एग्जांपल लिया, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अब हम और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या है, होम से लेकर स्कूल तक का कितना डिस्टेंस आपका 2.2 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हर पॉइंट पे आपकी क्या हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं करते हैं। तो स्केलर में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। कैसे? तो मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, यहां से लेकर यहां तक का कुछ ना कुछ तो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, नाउ हाउ डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड अपने घर के टेरेस पे खड़े हुए हैं। ठीक है, वहां आप कहोगे कि मेरे ना घर से मेरे स्कूल का फ्लैग दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड पूछता है, अरे किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप इस तरीके से लिखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये कहाँ पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। तो आप कहेंगे मैं घर की छत पे जाता हूँ और ईस्ट साइड पे देखता हूँ, तो इतनी दूर, मैं इसको एक नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 1 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दूर ईस्ट डायरेक्शन में मुझे मेरे स्कूल का फ्लैग दिखाई देता है, दैट मीन्स वहां पर मेरा स्कूल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो अब मानते हैं एक और केस, मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं। ठीक है, एक हाईवे है, यहाँ आपकी कार है, यहाँ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मान लेते हैं आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल्स किए, फिर आगे, फिर अगला 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगला 2 किलोमीटर, फिर अगला 2 किलोमीटर, ऐसे ही आप 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आप चेक कर रहे हो कितने कितने टाइम में पहुंच रहे हो। आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, मान लेते हैं 5 मिनट्स में पहुंच रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने 2 किलोमीटर कवर कर लिए, फिर नेक्स्ट फाइव मिनट्स में आपने 2 किलोमीटर्स कवर कर लिए। ठीक है, क्यों, आप हाईवे पर चल रहे हो, है ना, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, आप नॉर्मल चल रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, कि जब एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब मान लीजिए अब आप हाईवे पे नहीं चल रहे हैं, अब आप किसी क्राउडेड प्लेस में चले गए हैं। ठीक है, तो जब आप क्राउडेड प्लेस में चले गए या किसी मार्केट में चले गए, तो कैसे चलेगी गाड़ी, कार आपकी इस तरीके से चलेगी, पहले ऐसे चल रही, फिर रुक गई, ब्रेकर आ गया, फिर ऐसे चली, फिर ब्रेकर आ गया, फिर ऐसे मोड़ आ गया, फिर ऐसे इस तरीके से आ गया, ऐसे आ गया। तो क्या है, यहाँ पे आप कैसे स्पीड में चल रहे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 किलोमीटर कवर कर लिए पहले 5 मिनट्स में, फिर आगे बहुत ही क्राउडेड प्लेस था, फिर अगले 2 किलोमीटर्स आपको 10 मिनट लग गए आगे जाने में। ठीक है, फिर अगले जो है, मान लेते हैं कि अगले 2 किलोमीटर्स आपको लग गए, फिर अगले बिल्कुल भी स्पीड, बिल्कुल भी कोई भी नहीं था, क्राउड नहीं था बिल्कुल भी, आपको लगा चलो चलो मैं आगे चलते जाऊँ, तो फटाफट से आपने 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही अगले 2 किलोमीटर्स आपने अगले 5 मिनट में फिर कवर कर लिए। तो आप देख सकते होगे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिखेंगे आप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस
इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज यू कैन सी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका एक और ऑप्शन भी है, क्या ऑप्शन है कि अब आप ना इस तरीके से मान लो कि मैं पहले फिक्स कर लो 5 मिनट में, पहले 5 मिनट चेक करो कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने मान लो 2 किलोमीटर किया, फिर अगले 5 मिनट में चेक करो कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 1 किलोमीटर कर लिया, फिर अगले 5 मिनट में चेक करो कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 3 किलोमीटर कर लिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, किसी एक चीज़ को आप फिक्स कर लो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में आपने यहाँ पर देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे भी हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9th का ही बेस है। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए टाइम एक्सिस ये होती है, डिस्टेंस एक्सिस आपकी ये होती है, लेट इट बी इन मीटर्स एंड लेट इट बी इन सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ, तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 5 मिनट्स 5 मिनट्स, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर 1, ये मीटर्स में है तो आप इसको लगा लेते हैं यहाँ पे 100 200 300 400, ठीक है। तो मान लो पहले सेकंड में 100 मीटर चल गया, फिर अगले सेकंड में फिर 100 मीटर, क्योंकि 100 से 200 में जाने में 100 ही तो हुआ, फिर अगले 3 सेकंड्स में 300 कवर कर लिए उसने, अगले 4 सेकंड में 400 कवर कर लिए उसने। तो इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगी तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है, दिस इंडिकेट्स अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, गॉट इट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही एक ग्राफ बनाती हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाती हूँ, और वो आपकी स्ट्रेट लाइन ना आके कर्व्ड लाइन आए, मान लो ऐसे आ गई, ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर ग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ठीक है, पहले डिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है, फिर टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस यहाँ पे रुक गया, फिर टाइम बढ़ा, डिस्टेंस यहाँ रुका रहा, फिर टाइम बढ़ गया, फिर डिस्टेंस यहाँ रुका रहा, फिर इस तरीके से। इसका क्या मतलब है कि पहले अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा था, फिर एक टाइम आया टाइम बढ़ने लग गया लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा, यानी कि पहले वो धीरे धीरे चल रही थी फिर आके यहाँ पे रुक गई। गेटिंग माय पॉइंट, कार पहले धीरे धीरे चल रही थी फिर यहाँ आके रुक गई है। सिमिलरली इसे हम बोलेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, इसे हम बोलते हैं कि कर्व्ड लाइन आती है, राइट। ऐसे ही अगर कोई और कर्व बनाने लगे तो हम ऐसे भी कर्व बना सकते हैं, इस तरीके से भी, कि पहले रुकी हुई थी फिर धीरे धीरे चलने लगी फिर एकदम से चल पड़ी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ एक और ग्राफ देखिए, ये रहा डिस्टेंस का, ये रहा टाइम का, नाउ दिस इज अ ग्राफ। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस मान लो ये यहाँ पे 5 मीटर है और ये 1 2 3 4 5 है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये 5 पे ही रुका हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट या फिर स्टेशनरी, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है। ये तो हो गया ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि हाउ फास्ट योर कार इज ट्रेवलिंग, कितने किलोमीटर फास्ट चल रही है, ठीक है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए होंगे, मैथ्स में भी करते हो, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, वो क्या है, वो सब स्पीड है, राइट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, एक्चुअल में क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया कि 2 किलोमीटर 5 मिनट्स, अगले 2 किलोमीटर्स अगेन 5 मिनट्स, अगले 2 किलोमीटर्स अगेन 5 मिनट्स, है ना। तो अगर मैं इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करूँ, स्पीड इज डिस्टेंस, यानी कि मान लो 2 किलोमीटर चला 5 मिनट्स,
5 मिनट्स है। अगर मैं इसको इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 40, देन ये हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, 20/3 मीटर पर सेकंड, या आप लिख सकते हो इसको 16.67 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 16.67 मीटर वो कवर करता है। ये है इसकी स्पीड, राइट। अब स्पीड कंसिस्ट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड हेंस स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट पेज पे हमने बात करी थी यहाँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज डायरेक्शन, बट टाइम क्या है, एक स्केलर, लेकिन दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद कैसे रहेगा, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, आधी से ज्यादा बुक्स में ना जहां मन करता है वहां लिख देते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां मन करता है वहां लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कई बार ऐसे भी लिखा होता है एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी दिस। अब आप कहेंगे कि हमें डिस्टेंस दे रखा है और बोल रखा है वेलोसिटी, ये 9th में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, है ना। सेम चीज यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, वहां भी मैंने किया था, यहाँ पर भी करिए एक बार। क्या देखो, मान लो यहां से लेकर यहां तक कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ए, ये रहा बी, एक ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अब मेरे को इस केस में डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, जो रास्ता है आपका, पाथ लेंथ है, पाथ भी यही है जब आप हाईवे पे चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक का बिल्कुल स्ट्रेट वाला, बिल्कुल यही है। तो व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, हम तब कहते हैं कि हमारी स्पीड और वेलोसिटी हमारी बिल्कुल सेम होती है, तब चाहे आप उसको स्पीड बोल लो चाहे आप उसको वेलोसिटी बोल दो। ये किस कंडीशन में है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा चैप्टर किसके ऊपर है, यस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है देन उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, एंड दैट्स व्हाई स्पीड एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल, राइट। तो अब से मैं क्या लिखने वाली हूं, मैं ऐसे लिखूंगी स्पीड स्लैश वेलोसिटी। तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली स्पीड एंड वेलोसिटी की, अब हम यहां बात करेंगे टाइप्स। तो एक टाइप है इसकी एवरेज और एक टाइप है इसकी इंस्टेंटेनियस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम स्ट्रेट रास्ता है, राइट। फिर पहले जो हमारी कार है ना, वो पहले यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं 2 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने 5 मिनट्स में, ये एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं हम, ठीक है। फिर क्या किया उसने, नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिए 6 मिनट्स में, फिर नेक्स्ट उसने 5 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिए 10 मिनट्स में, एंड लास्ट के उसने 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, मान लेते हैं 20 मिनट्स में कवर करी उसने, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी,
ठीक है, यहां पर देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो उसके लिए क्या रहेगा, जो भी हमारी स्पीड रहेगी वही वेलोसिटी के इक्वल आएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ लेंथ डिवाइड में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमें यहां से पहले ही आइडिया मिल गया कि इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है एंड हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कितनी है, 2 + 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 + 5 दैट इज 17 किलोमीटर्स। ठीक है, डिवाइड में टोटल मिनट्स काउंट कर दीजिए, 30 35 एंड 41 मिनट्स। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि किलोमीटर का मिनट्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, या तो आप इसको आर्स में बनाओ यानी कि किलोमीटर पर आर कॉम्बिनेशन होता है, या फिर मीटर पर सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है। ये मैं समझ के चल रही हूँ कि ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं, 10th में भी हमने ऐसे ही काम किया है, 9th में भी हमने ऐसे ही काम किया है। तो इधर चेंज किलोमीटर्स इन मीटर्स, मिनट्स इन सेकेंड्स, या किलोमीटर को ऐसे ही रहने दो, इसको आप आर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड, राइट। सिमिलरली अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करती हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक सेम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, टोटल यही तो हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर डिवाइड में 41 मिनट्स। दिस इज फॉर अ स्ट्रेट लाइन, बट अगर हमारा पाथ चेंज हो जाए तो क्या होगा, मान लो ये ए है और ये बी टाउन है, ये ए टाउन है ये बी टाउन है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, बट जो रास्ता है वो रास्ता इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से रास्ता है। तो अब क्या होगा, मान लो ये जो है ये है 10 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 50 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं 20 किलोमीटर एंड दिस इज अगेन 5 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता है, अब निकालनी है हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मान लो ये 10 किलोमीटर्स इसने कितने टाइम में चले, इसने टाइम में चले मान लेते हैं 2 मिनट्स में चले, ये इसने चल लिए 4 मिनट्स में चल लिए, ये इसने चल लिए 10 मिनट्स में, ये भी 10 मिनट्स में लगा लीजिए, ये लगा लीजिए 5 मिनट्स में, और ये लगा लो 2 मिनट्स में। ठीक है, अब देखो अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड, अगेन एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब कि प्रॉपर रास्ता। ठीक है, ये रास्ता है आपका प्रॉपर, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, 10 + 20 = 30, 30 + 50 = 80, 80 + 50 = 130, 140 and 145 किलोमीटर्स, डिवाइड में टोटल टाइम बताइए मुझे, 2, 4, 6, 16, 26 and 31 and 33 मिनट्स। तो उसने 145 किलोमीटर्स चले 33 मिनट्स के अंदर, दिस इज एवरेज स्पीड। अगेन ये मैं मान के चल रही हूँ, आपको पता होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने कैसे कैलकुलेट करना, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रास्ता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। सो दिस इज 100 डिवाइड में टाइम तो वही है, सेम टाइम रखेंगे हम। ठीक है, दैट इज 33 मिनट्स, राइट। यहाँ एक चीज आपको मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल तो आपको बता ही दिया जब स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, सिमिलरली स्पीड हमारी हमेशा वेलोसिटी से बड़ी रहती है, ज्यादा रहती है, या रहती है इक्वल, इक्वल भी हमने बात कर ली जब स्ट्रेट लाइन होती है। तो दिस इज
मेन पॉइंट कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होती है या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल आ जाती है फॉर अ स्ट्रेट मोशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज 3.1। तो एग्जाम्पल 3.1 क्या कह रहा है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और फिगर दे रखी है, मैं एक बार फिगर ड्रॉ करती हूँ। तो ये फिगर है, एक कार जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में से ओपी। तो ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेकेंड्स में जाती है, 18 सेकेंड्स में जाती है। देन रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, देन यहाँ से रिटर्न हो जाती है पी टू क्यू, यहाँ पहुँच जाती है कितने सेकेंड्स में, 6 सेकेंड्स में। वट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। ओ से लेकर पी तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहला क्या है आपका, फ्रॉम ओ टू पी, ये रहा ओ ये रहा पी, तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम आएगी, इतना हमें आइडिया हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओ से लेकर ओ पी तक कितना डिस्टेंस है, 0 से लेकर 360, और ये कितने में दे रखा है, मीटर्स में दे रखा है, तो ये हो गया 360। कितने टाइम में जा रही है ओ से लेकर पी तक, 18 सेकेंड्स में जा रही है, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करनी है आपको, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ओ से लेकर पी तक डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हुई फॉर स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 360, टाइम कितना हो गया अगेन 18, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो आइडिया था वो बिल्कुल सही निकला। अब देखिए बी केस के लिए, देखिए फ्रॉम ओ टू पी एंड देन बैक टू क्यू, ठीक है। तो ओ टू पी एंड पी टू क्यू के लिए ऐसे चला, तो पूरा पाथ पहले ऐसे देन ऐसे, इसके लिए हमें क्या निकालनी है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये होगी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो चलो एवरेज स्पीड ओ टू पी, ओ टू पी के लिए कितनी है डिस्टेंस, कितना है ओ से लेकर पी तक का, 360, प्लस पी से लेकर क्यू तक का कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से लेकर पी से लेकर क्यू तक का कितना डिस्टेंस बनेगा, 240 एंड 40 80 प्लस 40 कितना आ गया, 120। तो आप देख सकते हैं ना 40 का गैप है, तो ये 140 240 340 यानी कि 3 times 40 यानी कि 120 हो गया। डिवाइड में ओ से लेकर पी तक का कितने टाइम में पहुंची है, वो 18 सेकेंड्स में पहुंची है, एंड पी से लेकर क्यू तक कितने टाइम में पहुंची है, 6 सेकेंड्स में पहुंची है। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज़ आप इसको 18 को इससे और इसको इससे डिवाइड या कैंसिल मत करना, आप 11th में हैं, आपको मैथ्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं आपको क्यों ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। आप 11th में आ चुके हैं तो आपका क्या मतलब बनता है, इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग से सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे इसको आप, एंड नीचे वाले को अलग से प्लस करेंगे, इसको आपने कैंसिल किया तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ओ से लेकर पी, पी से लेकर क्यू, ठीक है, हमें क्या करना है, यानी कि ओ पी क्यू की हमने क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यस कितना है, 240। तो ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। और टाइम, यस यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं टाइम को लेकर, उनको क्या लगता है 18 सेकेंड्स तो यहाँ तक लगे थे, 6 सेकेंड्स यहाँ तक लगे थे, इसको माइनस कर दो। जी नहीं, टाइम आपने पूरा ही लेना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी टाइम सेम पूरा लिया था, है ना, यहाँ पर भी प्रॉपर टाइम लिया था मैंने, ये तो नहीं देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, नो टाइम हम पूरा लेते हैं। तो पूरा कितना आएगा, 18 प्लस 6 दैट इज 24, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा,
10 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम टोटल रहेगा, ठीक है, टोटल टाइम रहेगा. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, इनिशियल टू फाइनल 240. ये हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी. लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो आएगा ही आएगा. तो अब हम यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट केस में अगर मैं देखती हूँ तो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है वो किसके लिए निकाली है, हमने ओ टू पी के लिए निकाली है. तो ओ इज़ हेयर एंड पी इज़ हेयर. तो यानी कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानती हूँ, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये जीरो है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड पे हुआ है, एंड दैट मीन्स जो वेलोसिटी आई है वो आई है आपकी पॉजिटिव. तो दिस इज प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ अगर हम बात करते हैं O to P and P to Q. तो पहले O से लेकर P तक गया, फिर P से लेकर Q तक आया, और हमने देखा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हुई, हमने ये ऐसे किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 240 तक, 0 से लेकर 240 तक, अगेन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ पर भी पॉजिटिव क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है. तो एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पर, कि हमने डायरेक्शन तो फाइंड कर ली और हमने ये भी देख लिया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 240 है. और मान लेते हैं अगर ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस होते तो हम क्या करते, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिशियंस ने साइंटिस्ट ने हमें एक फॉर्मूला दिया. क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि जब आप कभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने लगेंगे ना, तो उसके लिए आप एक काम करना, आप ऑब्जेक्ट की ना फाइनल पोजीशन देखना और उसमें से माइनस कर देना इनिशियल पोजीशन जहां से वो स्टार्ट हुआ था, तो आपको आपकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी. ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि अगर हम फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो ये यहाँ पर 360 ना होता, बहुत आगे चला जाता, फिर वापस पीछे आता, तो हमें तो कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, राइट. तो उसके लिए ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया गया. अब इसमें क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मान लो आपके पास 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये माइनस 10 है, ये माइनस 20 है, ये माइनस 30 है, ठीक है, इस तरीके से है. अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो पहले तो यहाँ गया यहाँ पर, और फिर वो घूम कर चला गया यहाँ पर, इधर आ गया. तो पहले ये O से लेकर मान लो P तक गया, फिर P से लेकर चला गया Q तक, ठीक है. तो अब इस केस में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगूँ तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ. तो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, 40 इधर चला, फिर वापस इधर आया, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक और आगे चला, दैट इज 10 प्लस 20, 10 एंड ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 80 प्लस 20, ये हो गया 100 मीटर चला, ठीक है. अब डिस्टेंस में तो हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसके अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसीडर करना, जस्ट मैग्नीट्यूड, यानी कि जस्ट नंबर. तो पहले वो यहाँ से यहाँ तक 40, फिर 40 एंड देन 20, 100 मीटर हो गया. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब देखो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाइनल, फाइनल को हम मानते हैं x2, इनिशियल को हम मानते हैं x1, ठीक है. तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1. तो x2 इज फाइनल इज माइनस 20 एंड इनिशियल इज 0, तो ये कितना आ गया, माइनस 20. यानी कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक का डिस्टेंस ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आके रुका था, तो माइनस 20 हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट. और देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन. 20 तो हो गया मैग्नीट्यूड, यानी कि अपनी इनिशियल पोजिशन से वो 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, बट किस डायरेक्शन में हुआ है, माइनस की डायरेक्शन में. तो माइनस डायरेक्शन इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड 20 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो इस तरीके से अगर हमें वेलोसिटी लिखनी होगी तो हम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड टाइम भी क्या होगा, फाइनल पोजीशन पे पहुंचने का टाइम क्या था और जब वो इनिशियल पे था तो टाइम क्या था। तो ये हो गया x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ बच्चे 50% बच्चे क्या करेंगे, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ये वो एवरेज नहीं है, दिस इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जिसका आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। इसी को ही आपने यूज करना है, एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको एक बार विजुलाइज करते हैं कि ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। यहां से लेकर यहां तक जब पहले जा रही थी एक बॉडी, वो जा रही थी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से या स्पीड से, जब वो वापस आई तो कितनी से आ रही थी, 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही थी, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे जाते हुए वो स्लो चल रही थी तो टाइम डिफरेंट होगा, लेट टाइम टी वन, वापिस आते हुए वो फास्ट चल रही थी तो टाइम डिफरेंट होगा ना पहले वाली से, तो लेट इट टाइम बी टी टू, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले तो केस बात करते हैं ए टू बी जाने की। ए टू बी जाने के लिए अगर मैं एवरेज स्पीड निकालती हूँ तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, सॉरी प्रॉपर पूरी हमें एवरेज निकालनी है, तो ए टू बी एंड बी टू ए टोटल निकलेगी इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस ए बी, है ना, ए बी प्लस ए बी डिवाइड में टोटल टाइम क्या हुआ, टी वन प्लस टी टू, तो टी वन प्लस टी टू, राइट। अब इसी को ही हमने सॉल्व करके एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ए बी प्लस ए बी है, डिस्टेंस है ये, तो टाइम टी वन हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टी वन की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस होगा ए बी और स्पीड कितनी थी यहां से यहां तक जाने के लिए, 40। टी टू की बात करें तो डिस्टेंस तो ए बी ही है एंड स्पीड कितनी है, 60। तो मेरे को टी वन टी टू की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर देते हैं इसको सॉल्व करते हुए, ऊपर तो आ जाएगा 2ab, नीचे t1 के लिए क्या लिखेंगे, ab by 40 प्लस t2 के लिए क्या लिखेंगे, ab by 60। नीचे क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 240, तो ये आ जाएगा 6ab प्लस 3ab, तो ये है ऊपर 2ab, नीचे है 5ab, 2 प्लस 3 एंड 240 ऊपर चला जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, 5 को से कैंसिल करेंगे, 5 फोर सा 5 एट सा, तो ये हो गया 2 6 सा 2 8 सा 16 कैरी ओवर, 2 4 सा 8 एंड 96। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 2 ए बी और ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 ये 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6 प्लस 4 दैट इज 10 ए बी और 240 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ए बी से बी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 24 टू जा 48 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चलिए देखते हैं ए टू बी, बी टू ए तक की क्या डिस्प्लेसमेंट रही है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आया, मतलब इनिशियल भी यही पोजीशन एंड फाइनल भी यही पोजीशन। जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम होती है देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए इज इक्वल टू जीरो, देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम होगा तो वो क्या आएगा, जीरो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी आपकी, ठीक है। तो ये था एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
तो अभी तक हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड वेलोसिटी की न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हमने उनकी बात करनी है ग्राफ्स की, ठीक है। अगर कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसको आपने रीड करना है, स्टडी करना है कि कैसे करेंगे हम, तो उसकी हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, वो भी एवरेज। और इनके ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हमने बिगनिंग में भी पढ़ा था उसी को ही हम अब डिटेल में पढ़ेंगे और उसी की ही वैल्यू यूज़ करते हुए स्पीड और वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस है मीटर्स में और यहाँ टाइम है सेकेंड्स में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ दिया गया है और हम एक ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वो एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। यहाँ सेकंड्स की बात हो रही है, यहाँ मीटर्स की। तो एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगले 3 सेकंड में 30 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड में 40 मीटर एंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स में 50 मीटर्स, ठीक है। और जब हमने इसको एक तरीके से ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी एंड वी नो वेरी वेल फॉर अ स्ट्रेट लाइन हम इस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब इसी को ही यूज करते हुए हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 10, 20, 30, 40, 50, सबको प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया 60, 100 and 150, ठीक है। डिवाइड में टाइम कितना हुआ, 3, 6, 10 and 15 seconds, कैंसिल करके कितना आ गया, 10 meter per second। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब इसी का ही ग्राफ का यूज करते हुए हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट का अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या निकाला था साइंटिस्ट ने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड में टाइम एट फाइनल पोजीशन एंड टाइम एट इनिशियल पोजीशन, यही है। तो फाइनल पोजीशन क्या थी उसकी, ये है। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया उसने, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, या अगर आपने ये माना है कि फर्स्ट पहले सेकेंड उसकी क्या पोजीशन थी, अगर आपने इसको ये चीज माननी है आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स टू, इसको हम मान लेते हैं। वैसे तो आप इसको ओरिजिन को भी एक्स वन मान सकते हो कि इनिशियली रेस्ट पे था, या आप कह सकते हो पहले सेकंड पे यहाँ तक। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ से लेकर दिखाती हूँ। इनिशियली आप रेस्ट पे, तो आप क्या कर सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, मैं आपको एनी टू पॉइंट्स आप बीच में से ले सकते हैं। तो इसको हम इनिशियली ये मान लेते हैं, दिस इज एक्स वन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स टू क्या है, 50, एक्स वन क्या है, 10, डिवाइड में टी टू, यानी कि एक्स टू पे कौन से टाइम था, 5, माइनस एक्स वन पे क्या टाइम है, 1, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 40, नीचे कितना आ गया, 4, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 meter per second। आपने एक चीज नोटिस करी कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आई है। क्यों सेम आई है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन किसके लिए होता है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस भी वही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है, एंड हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं कि कितनी है, हाउ मच। वेलोसिटी के अंदर हम कंसिडर करते हैं इन विच डायरेक्शन एज वेल, हाउ मच तो है ही है बट किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ हम कोई भी साइन कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ हम साइन कंसीडर करेंगे। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। अगर आपको साइन का नहीं समझ में आया, एक और ग्राफ लेकर समझते हैं, देखिए कैसे। अगेन यहाँ पर हमारा है डिस्टेंस मीटर्स में और यहाँ पर टाइम है हमारा सेकेंड्स के अंदर, ठीक है।
अब मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे 2 सेकंड में पहुंच गया ऐसे 500 मीटर की तरफ। अगले 2 सेकंड्स में यानी कि जैसे ही 4 सेकंड्स हुए देन उसने कवर किए 400 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड्स में उसने कवर किए 300, अगले 2 सेकंड्स में उसने किए 200, फिर अगले 10 सेकंड्स में उसने किए 100। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो इट इज़ अगेन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि चाहे ऐसे ही हो चाहे ऐसे ही हो, होना तो यूनिफॉर्म मोशन ही चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, पहले 500 किया, फिर 400, फिर 300, फिर 200 और फिर 100, है ना। तो चलो काउंट कर लो, ये हो गया 9, फिर 12, फिर 14 एंड ये हो गया 1500 मीटर। डिवाइड में टाइम टोटल करो, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30। कैंसिल होके ये आ गया आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड। हमें साइन कंसिडर नहीं करना, क्यों, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करती हूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम यानी कि फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन डिवाइड बाई टाइम एट फाइनल माइनस टाइम एट इनिशियल। तो इनिशियली उसने यहाँ से शुरू किया था, फाइनली पहुंचा वो यहाँ पर, दिस इज एक्स टू एंड दिस इज एक्स वन। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, x2 कितना है 100 माइनस x1 कितना है 500 डिवाइड में t2 यानी कि यहां पर टाइम कितना है 10 सेकंड्स माइनस x1 पे टाइम कितना है 2 सेकंड्स। ठीक है, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 400 डिवाइड पे ये आ गया आपका 8। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया, अब कितना है माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस किया आपने, क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आया है ना, क्यों, क्योंकि फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम एंड हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम। तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आया बट वेलोसिटी का जो साइन आया वो नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो धीरे 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 कम हो रही थी। तो हम इन ग्राफ से क्या पता कर सकते हैं कि अगर आपका ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है देन इट हैज़ पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर आपका ग्राफ ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आ रहा है देन यू हैव नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये तो मैंने ले लिए बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कि जहाँ पे मैंने एंड किया जहाँ पे मैंने शुरू किया। ठीक है, बट अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मैं सेंटर में से भी कोई भी एनी टू पॉइंट्स ले लूँ, मान लो ये मैं एक्स टू ले लेती हूँ और ये मैं एक्स वन ले लेती हूँ, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी मैं कोई भी एनी टू पॉइंट्स, ये मैं एक्स वन ले लेती हूँ, ये मैं एक्स टू ले लेती हूँ, तो उन उन इंटरवल्स में भी आपकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम आएगी। कैसे, निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए वेलोसिटी अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एनी टू इंटरवल्स के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x2 is 40 माइनस 20 एंड t2 is 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 20/2 कैंसिल होके 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, यहाँ पर भी वही वेलोसिटी आई, यहाँ पर भी वही वेलोसिटी आई। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर हम बीच में से भी कोई भी टू पॉइंट्स, कोई भी टू पॉइंट्स का इंटरवल उठाते हैं, उनके बीच की वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो भी बिल्कुल सेम आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फिर से वेलोसिटी निकालनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन टी टू माइनस टी वन। सो एक्स टू इज 200 माइनस एक्स वन इज 400 डिवाइड में टी टू इज 8 माइनस एंड टी वन इज 4। तो ये हो गया माइनस 200 डिवाइड में 4। ठीक है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया माइनस
50 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा यहाँ पर भी वेलोसिटी वही आई है -50, तो यहाँ पर भी वही वेलोसिटी आई है, ठीक है। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो आप लोगों का वेलोसिटी रहती है एनी टाइम इंटरवल के बीच में वो बिल्कुल सेम रहती है। तो अब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। थर्ड ग्राफ अगर हम डिस्कस करना चाहें, मान लेते हैं कि ये है डिस्टेंस और ये है अगेन टाइम है, और अब जो ग्राफ है ना वो आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है। तो इस ग्राफ को अगर मैं समझूं पढ़ूं, क्या समझ में आ रहा है कि अगर जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है तो ये ग्राफ, ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, बट जो मेरा डिस्टेंस है मान लो यहाँ पे 400 मीटर है, तो 400 मीटर पर ही खड़ा हुआ है, 10 सेकंड बाद भी, 20 सेकंड बाद भी, 30 और 40 सेकंड के बाद भी वो क्या है, 400 मीटर पर ही रुका हुआ है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एट रेस्ट यानी कि उसकी डिस्टेंस भी नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बढ़ रहा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो एट दिस कंडीशन आपका क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड भी जीरो एंड एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो तो चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है एकदम, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रुका हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम ग्राफ, फोर्थ वन। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, अब इस तरीके से मानते हैं कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए मैंने टाइम यहाँ पर लिख दिया है, डिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया है। इसको अगर हम रीड करते हैं तो क्या हो रहा है, 10 सेकंड में ये कितना चला, मान लेते हैं ये 50 मीटर चला, ठीक है। फिर 20 सेकंड में ये कितना चला, ये चला 80 मीटर चला। फिर 30 सेकंड में ये कितना चला, ये चला 100 मीटर चला। फिर 40 में कितना चला, वो चला 150। फिर 50 सेकंड्स में कितना चला, वो चला 200। फिर 60 सेकंड्स में कितना चला, वो चला 220। फिर 70 सेकंड्स में कितना चला, 300। फिर 80 सेकंड्स में कितना चला, 400। फिर 90 सेकंड्स में कितना चला, 550। तो आपने देखा कि कहीं भी कोई भी इंटरवल क्या इक्वल आया नहीं, ठीक है। हमने हर 10 सेकंड में देखा उसका जो डिस्टेंस था वो डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये किसका ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। दिस इज अ ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एनी रैंडम टू पॉइंट्स उठा लेती हूँ, कोई भी टू पॉइंट्स उठा लेती हूँ, मान लो मैंने एक उठा लिया पॉइंट ये, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है पॉइंट, और मुझे ये, मैं 200 वाला ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है, ये दो पॉइंट्स ले लेती हूँ। तो इफ इट इज एक्स टू, इफ इट इज एक्स वन, अगर इस इंटरवल के लिए मैं स्पीड और वेलोसिटी निकालती हूँ, तो लेट अस डिस्कस। तो एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 200, फिर 250, 450 हो गया, फिर 450 प्लस 300, 750, 750 प्लस 400, 1150, ठीक है, ये आ गया टोटल आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखिए 50 एंड 60, 110, 180 एंड 80 इज, ये हो जाएगा 360, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी हम ऐसे मान लेते हैं 115 अपॉन में 36 मीटर पर सेकेंड, हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करती हूँ, व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट रिटर्न एज एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड में टी टू माइनस टी वन। तो देखो x2 is 400 minus x1 is 200, time t2 is 80 minus t1 is 50, तो ये हो गया 200 डिवाइड में 30, कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 6.67 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एक चीज और, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को छोड़ के अगर ये दो पॉइंट्स ले लेती, ये और ये, तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट आएगी। फिर अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लूं, उसके लिए वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। ऐसा क्यों, यहां पर इंटरवल्स में डिफरेंट क्यों आ रही है? बिकॉज हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर टू इंटरवल्स में जब वेलोसिटी बिल्कुल सेम आती है, एनी टू इंटरवल्स में, तो वो होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हर कोई भी आप डिफरेंट इंटरवल लोगे तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आप देख सकते होगे यहाँ तो स्मूथ चल रहा था, फिर एकदम से ही उसने क्या पकड़ लिया, एकदम बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कम में, तो ये बहुत पीक आ गई एकदम से। ठीक है, पीक आने का मतलब क्या कि ये जो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ देखोगे यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट आ जाएगी, राइट। तो अब हमने ये जो ग्राफ डिस्कस किए हैं, ठीक है, अगर मैं इनको और डिटेलिंग में पढ़ती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स की बात करती हूँ कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना उठे हुए हैं, है ना। अगर मैं इस तरीके से बात पूछती हूँ आपसे कि ये क्या है, ये एक तरीके से ढलान है इसकी, या एक तरीके से कितना उठे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या है इस ग्राफ का, यानी कि वो यहाँ से कितना उठा हुआ है या उसकी कितनी ढलान है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, यानी कि इनको निकालने की कोशिश करती हूँ, इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, तो ये एक्स एक्सिस से कितना उठे हुए हैं, तो मैं एक्स एक्सिस के लिए क्या कर देती हूँ, पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, कर लिया मैंने। अब मुझे यही है ना, यही एक्स एक्सिस से ये कितना उठा है। इन शॉर्ट मुझे क्या फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, तो यानी कि मुझे ये एंगल फाइंड करना है, लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है, ओके। अगर ये थीटा एंगल है और मैंने ये ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी इस साइड, और मैं अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये चीज, अब आपको क्या एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, इसको नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं ए, ये दे देते हैं बी, और ये दे देते हैं सी। अब देखो अगर मैं इस बेस की बात करती हूँ, ये बेस कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, ये है हमारा T2 था, ये था हमारा T1, राइट। तो मैं ये BC फाइंड कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं इस परपेंडिकुलर की बात करती हूँ, तो परपेंडिकुलर जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये एक ये था, ये X1 है, ये X2 है, है ना। ये X2 में से X1 माइनस कर दूँ, मेरे पास ये आ जाएगा। मेरे पास हाइपोटेन्यूज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे पास किसकी इंफॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर एंड बेस की। परपेंडिकुलर है, बेस है, 90 डिग्री है, थीटा है, तो क्या लगाएंगे हम, यस ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम, टैन का। तो बिना देरी के फटाफट से इस ट्रायंगल को मैं यहां बनाती हूं, ये रहा ए बी सी, ये है पॉइंट एक्स टू, ये पॉइंट एक्स वन, ये है थीटा, ठीक है। मुझे चाहिए ये थीटा कि ये एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, तो हम बिना देरी के टैन लगा देंगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी, ठीक है, ओके। टैन थीटा ए बी, ए बी क्या होगा, देखो ए बी टोटल, टोटल क्या है एक्स टू, टोटल क्या एक्स टू है, दैट इज 40, दैट इज 40, राइट। और मुझे चाहिए ए बी, ये 40 है, यहां से लेकर यहां तक कितना, ये है एक्स वन, दैट इज 20, है ना। इन शॉर्ट दिस इज एक्स टू एंड दिस इज एक्स वन। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी को कि मैंने ए बी कैसे निकाला, एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर दिया, एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर दिया, तो ए बी आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया। फिर बी सी, बी सी निकालना है, तो यहां तक क्या था, यहां तक था टी टू और यहां तक था T1, T2 में से T1 माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बच जाएगा, BC आ जाएगा, that simple, very simple, T2 minus T1, values put कर दीजिए। X2 कितना लिया था हमने यहाँ पे, 40, ये था 20, T2 आया 4, T1 आया 2, तो this is 20 by 2, that is 10 meter per second, तो ये क्या आ गया आपके पास, tan theta is 10 meter per second। इसका क्या मतलब है, हमने अभी अभी velocity निकाली थी, वो भी कितनी निकाली है, 10 निकाली है, है ना। तो आप देख सकते हो गए हमने time interval के लिए भी 10 ही निकाली थी, तो ये किसके equal आया, ये आया हमारे velocity के equal। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा टैन थीटा किसकी इक्वल है वेलोसिटी के, और टैन क्या बताता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड हेंस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आप इसका भी बना के देख सकते हो, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो उसका भी आंसर सेम यही आएगा। और अगर मैं इस नॉन यूनिफॉर्म का निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखिए सेम यही दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये और एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसके लिए भी, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। अब इसको मैं उठा के यहां बनाती हूँ, दिस इज ए बी सी, जो ये निकालना है थीटा, ये एक्चुअल में ये तो ऐसे हुआ हुआ है ना, लेकिन मैंने ड्रॉ करी है लाइन स्ट्रेट, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि कितना उठा हुआ है यहाँ से, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे, ठीक है। ए बी, ए बी कैसे निकलेगा, x2 में से x1 माइनस होगा, ये x2 है ये x1 है, x2 में से x1 माइनस हो जाएगा तभी ये भी आएगा, और नीचे है bc, ठीक है। तो ये हो गया x2 माइनस x1, और bc कितना हो जाएगा, t2 में से t1 माइनस करना पड़ेगा, t2 माइनस t1, तो x2 इज 400, x1 इज 200 एंड t2 इज 80 एंड t1 इज 50। तो ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 30, 6.67 मीटर पर सेकेंड। अगेन नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी क्या निकाली थी हमने, वेलोसिटी निकाली थी, तो ये क्या आ गया बिल्कुल वेलोसिटी के इक्वल। तो टैन थीटा हमारा किसके आ गया, वेलोसिटी के इक्वल, और ये एक्चुअल में क्या होता है स्लोप, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म का भी जो स्लोप है वो क्या बताता है, वेलोसिटी आपको बताता है। तो अब बहुत बात हो गई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की, है ना। तो दूसरा पोर्शन क्या था, दूसरा पोर्शन था आपका, हम ऐसे लिख रहे थे कि स्पीड एंड वेलोसिटी को हम बात कर रहे थे अभी किसके अंदर, एवरेज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस की, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, उस इंस्टेंट पर उस क्षण कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलरली अभी बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी एवरेज एंड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होगी, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर दोबारा ध्यान से देखते हैं आपको कैसे समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस का। मान लेते हैं ये एक x एक्सिस है, ये रही जीरो, ये है 10 मीटर 20 मीटर 30 40 मीटर, फिर ये है ये इधर जा रही है माइनस में, तो ये माइनस रहेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा इधर, तो ये मीटर्स में है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था ना मेरा, वो कहाँ से कहाँ गया, इसको आगे और मानते हैं, पहले 50 मान लो, यहाँ 60 मान लो, ठीक है। जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना वो पहले यहाँ से गया और वो घूम कर यहाँ आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, ओके। तो हमें फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिटन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई डी टू माइनस टी वन। तो मान लेते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और फिर वो वापस इधर आया, तो यानी कि इनिशियल ये है और फाइनल क्या हो गई ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 40 माइनस जीरो। और मान लेते हैं वो किस में कितने कितने सेकेंड्स में पहुँच रहा था, मान लेते हैं वो ये सारा का सारा उसने कवर किया 100 सेकेंड्स में, मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिए उसने 100 सेकेंड्स में कवर किया, तो ये 40 बाय 100 ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, एंड ये पॉजिटिव में आई है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, तो ये तो होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करती हूँ इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि उस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी थी,
इसका और अगर हम डिटेल में बात करें, डेली लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो देखो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो कार होती है या हमारी बाइक एक्टिवा में ये एक लगा होता है ऑडोमीटर, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं कि हाँ जी इतनी आपकी एक्टिवा या इतनी बाइक या इतनी कार चल रही है आपकी। और इस साइड क्या होती है, इस साइड लगी होती है जीरो, ठीक है, फिर आती है आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरीके से ये स्पीड लगी होती है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है, कैरो सा होता है, जैसे जैसे आप आगे आगे स्पीड आपकी चलती रहती है वो आपको स्पीडोमीटर, हाँ जी दिस इज कॉल्ड, जो आपको नंबर्स बता रहा होता है दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर, जो आपको बताता है कि हाँ जी आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो। एंड ये जो आपको स्पीड बता रहा होता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। और ये जो स्पीडोमीटर स्पीड बता रहा होता है वो क्या बता रहा होता है, उस मूवमेंट पर आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, है ना, उस मूवमेंट पर। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हो तो एकदम से आप ऐसे स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, सामने अगर आपने किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपने और स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आपने स्पीड कम कर ली, ब्रेकर आ गया तो आपकी स्पीड और कम होगी, फिर एकदम बिल्कुल खाली आगे कोई भी रश नहीं है फिर आपकी स्पीड और बढ़ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एरो चलता फिरता रहता है, ठीक है, जब ये एरो चल फिर रहा है, मान लो एनी मोमेंट पे आपने देखा हाँ जी कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, मान लो बंदा 100 की स्पीड से चल रहा था, तो वो क्या हो जाएगी उस मोमेंट पर, उस सेकेंड पर जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने, और आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीडोमीटर फिर हम क्यों कहते हैं इसको, ये स्पीड बताता है लेकिन हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, है ना। तो क्या हो रहा है, जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट मोशन पे चल रहे हैं, वहां पर क्या है, डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, एंड हैंस स्पीड एंड वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम है। एक और डिटेलिंग वाली बात है जो मैं आपको भी बताऊंगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, एक और चीज समझिए यहाँ पे कि मान लो आप सीधा चल रहे हैं कार में, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका स्कूल आया, ठीक है, आप कार से जा रहे थे, जैसे स्कूल आया आपने स्पीडोमीटर में ना स्पीड चेक करी भाई कितनी स्पीड थी, ठीक है, तो उस मूवमेंट पर जो स्पीड आई या उस मूवमेंट पर जो वेलोसिटी आपने देखी स्पीडोमीटर में, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपके लिए वो टाइम कितना हुआ, आपके लिए वो टाइम मिनिमम हम लोगों के लिए टाइम क्या रहता है, 1 सेकेंड, क्योंकि हमारी जो वॉच होती है वो 1 सेकेंड ही मिनिमम टाइम बताती है। और अगर प्रिसाइज जाए स्टॉप वॉच लगा लेंगे, स्टॉप वॉच के लिए 0.1 सेकेंड के लिए बता देंगे, है ना, आपने आई ब्लिंक करी, आंख झपकी, ठीक है, और आग झपकते ही आपने एक बार देखा कि कितनी वेलोसिटी से आप चल रहे हो, तो आप और प्रिसाइज जाएंगे 0.001 लगा लो, है ना। जितना हम छोटा, जितना हम कम टाइम लेते रहेंगे उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारे लिए 1 सेकेंड के अंदर भी वेलोसिटी देखना ये बहुत बड़ा है, ठीक है, हम उससे भी छोटा जाते हैं। कितना छोटा जाते हैं, इतना छोटा जाते हैं कि टाइम हमारा बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा हो, यानी कि इतने टाइम में फटाफट से आंख ब्लिंक करी और हमने देखा, और भी बहुत जीरोस लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम छोटे से छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में अगर देखेंगे कितनी वेलोसिटी से हम चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक बार इसको डिफाइन करते हैं, तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पॉइंट पर अगर हमने चेक करा तो कितनी वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का मतलब क्या हुआ, ये लिखते हैं ना हम x2 माइनस x1 डिवाइड में t2 माइनस t1, ये तो हम वेलोसिटी के लिए लिखते हैं। अब यहाँ जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, इसे हम लिख रहे हैं डेल्टा x। ऐसे ही t2 माइनस t1 के डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा t। अब ये टाइम का डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो जाएगा तब हम वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लो
मैंने, जैसे ये है 0.00000002 सेकेंड्स, ठीक है, इन दो टाइम इंटरवल्स के अंदर मैंने देखा कि कितनी वेलोसिटी से मैं चल रही थी। तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना छोटा हुआ, डेल्टा टी हमारा कितना छोटा हुआ, है ना, और भी छोटा रहेंगे हम, जितनी छोटी वैल्यू होगी टाइम की उतनी एक्यूरेट हम कह सकते हैं कि हाँ जी उस मोमेंट पर इतनी वेलोसिटी थी। अब हम ये बार बार बोल रहे हैं छोटा टाइम छोटा टाइम, यानी कि आँख झपकी और पता चल गया, या हमने फटाफट से एकदम से ऐसे किया और पता चल गया, ठीक है, तो हम उस टाइम को जीरो तो नहीं ले सकते ना, बट जीरो के पास जाए वो वैल्यू, टाइम इतना छोटा हो कि वो जीरो के पास जरूर जा रही हो बट जीरो ना हो, क्योंकि जीरो पुट करते ही वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू है टाइम की वो बहुत छोटी होनी चाहिए। इस टाइम पर मान लो ये आपका T2 है टाइम और ये है T1 पे, इस टाइम पर क्या पोजीशन थी, इस टाइम पर क्या पोजीशन थी, डिफरेंस डिवाइड में इनका डिफरेंस, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा जो टाइम है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, दिस इज अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जीरो की तरफ जा रहा हो बट जीरो ना हो, जैसे ही जीरो होगा वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, तो अप्रोच कर रहा हो जीरो को बट जीरो ना हो। तो जैसे ही हमारे पास इस डेल्टा पे, जो डेल्टा का मतलब स्मॉल वैल्यू, डेल्टा पे लिमिट लगती है ये वाली, वहां पे हमारा आ जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जहाँ पे बच्चे बहुत घबराते हैं, ठीक है। जैसे ये हम हटाते हैं यहाँ पे हम लगाते हैं dx/dt, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताने वाली हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, एक दो बेसिक फॉर्मूला बताऊंगी और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो लेट अस डिस्कस अबाउट बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस। बट बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलस मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। Instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed. Now the question is why? Why? Because देखो मैंने इतना छोटा टाइम लिया, इस छोटे से टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे चल रहा होगा, ऐसा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो रुका ही होगा, नहीं रुका है तो वो चल रहा होगा, तो चल रहा होगा तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ही तो होगा। इतने से डिस्टेंस के लिए स्पीड भी तो यही होगी और वेलोसिटी भी, सॉरी इस इतने से डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी, और जहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड भी बिल्कुल सेम होती है। तो उस मूमेंट पर इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम एंड हेंस वेलोसिटी स्पीड सेम, एंड फॉर दैट इंस्टेंट वी कॉल इट एज इंस्टेंट वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज सेम। तो अब करते हैं बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है वो एक तरीके से आपके मैथमेटिकल टर्म है। यहाँ अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी फिजिक्स में कहीं भी डिफरेंशिएशन आती है तो वहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक मैं आपको जरूर समझाऊंगी, एडवांस जो है वो आपका प्लस टू में मैथ्स में आएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल या डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन के मैं छोटे से छोटे टुकड़े कर दूँ, इसकी कैप हटा दूँ, इसके पीछे की हटा दूँ, इसके ऊपर का हटा दूँ, इसका रिफिल हटा दूँ, रिफिल के अंदर की इंक भी हटा दूँ, उन सबको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक बड़े सी चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। या अगर मैं आपकी ही क्लास की बात करती हूँ, आपकी क्लास में आपके टीचर क्या कहते हैं कि भाई जिनके 80 से अबव मार्क्स आए थे वो इधर आ जाओ, जिनके 70 से 70 के बीच में आए थे वो इस लाइन में बैठो, जिनके 50 से 60 में आए थे वो इधर बैठो। तो उन्होंने क्या कर दिया, आप लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये तो हो गया आप लोगों का प्रैक्टिकल मीनिंग,
ठीक है। और यहाँ पर जब हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं डिफ्रेंसिएशन को, हम कैसे करते हैं, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि हमने लिखा v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इसका जैसे जो मैंने अभी अभी आपको मीनिंग बताया, उस मीनिंग को अगर मैं इससे रिलेट करूँ तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो वाला पार्ट जिस पार्ट पे हमने वेलोसिटी देखी, देखा ना आपने, जैसे लिमिट लग गई टी अप्रोचेस टू जीरो, ये था स्मॉल स्मॉल, अब ये स्मॉल स्मॉल हट गया, ये आ गया वो वाला पार्ट, वो डिफरेंशियल पार्ट जिस पर हमने वेलोसिटी देखी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे ये क्या था, उस टाइम पे ये क्या था, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब मैं कोई और अगर चीज़ ले लेती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को नहीं पता कोई भी चीज़ लेनी है और उसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है टाइम टी के साथ, तो मैं कैसे करूँगी, उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगा है, कोई भी कॉन्स्टेंट लगा है, देन कॉन्स्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी चीज़ के साथ, वो आता है आपका ज़ीरो। किसी भी चीज़ का कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट का किसी भी चीज़ के साथ अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो आता है ज़ीरो। जैसे मान लो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टू पुट कर देती हूँ ये आ जाएगा ज़ीरो। चाहे यहाँ किसी भी चीज़ को अगर हम पुट कर देते हैं कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा आपका बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी बात, अगर किसी भी चीज़ को किसी के साथ में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो उसको हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखो। मान लो मुझे यहाँ पर टी ही है और मुझे इसको किसी, अभी टी नहीं मानते, मान लो एक्स है, कोई भी एक्स है, ये वाला एक्स नहीं, एनी एक्स, जैसे हम मैथ्स में कोई भी एक्स बात करते हैं, तो मुझे इस एक्स को डिफरेंशिएट करना है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। बट इसके पीछे का जो बेसिक है वो क्या है कि मान लो ये एक्स की पावर कोई भी है एन है, एन, और हम इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, एन आगे आता है, एक्स एज इट इज रहता है और एक्स की पावर हो जाती है एन माइनस वन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे x की पावर 1 थी तो 1 पुट करो, 1 x की पावर 1 माइनस 1 इज 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 इज अगेन 1, तो क्या बच गया आपके पास, 1। अब इसकी जगह पे 2 पुट करो, x की पावर 2 dx, तो 2 पहले आ जाएगा इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 2x हो गया। Getting my point. तो similarly यहाँ मैं x any कोई भी चीज़ ले रही थी, यहाँ पर अगर हम मैं t की बात करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो dt करती हूँ तो क्या आएगा, 2 t की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2 t, ठीक है, समझ आया इस चीज़ का। तो इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल 3.2। तो एग्जाम्पल 3.2 क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ये एक एक्स एक्सिस है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसके जो मूवमेंट है ना वो इस तरीके से बता रखी कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना किसी एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाती है, तो एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है आपको, वेयर ए, ए जो है वो 8.5 मीटर है, यानी कि दैट इज अ कांस्टेंट, बी क्या है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट, टी इज मेजर्ड इन सेकंड्स, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट 0 सेकंड, 0 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है एंड 2 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है, 2 सेकंड पर बतानी है और 0 सेकंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 4 सेकंड्स, ठीक है। एक तो आपको बतानी है 0 पे बतानी है, फिर 2 पे बतानी है और फिर एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन 2 एंड 4।
तो सबसे पहली बात हमें एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम, है ना, जितना हमें पता है हम पहले वो कर लेते हैं। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, टाइम एट फाइनल पोजिशन एंड टाइम एट इनिशियल पोजिशन, ये लिखते हैं, राइट। ओके, तो हमें x दिया क्या हुआ, हमें x ये दे रखा है, राइट, तो x2 ये हो गया और y2 भी हमारा यही हुआ, राइट, x2 भी यही है और हमारा जो है x1 भी यही है। तो चलो पुट कर देते हैं, a प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ, माइनस ए प्लस बी टी 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर पुट कर देते हैं, डिवाइड में टी 2 माइनस टी 1, ठीक है। अब a क्या दे रखा है आपको, a इज 8.5, ओके 8.5 प्लस b क्या दे रखा है 2.5 इंटू टी 2 का स्क्वायर, इनके बिटवीन दिस एंड दिस है, ठीक है, सो आई थिंक दिस इज टी 2 एंड दिस इज टी 1, बिटवीन 2 एंड 4 है ना, तो ये हो गया टी 2 एंड ये हो गया टी 1, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस a, a इज अगेन 8.5, प्लस अंदर है बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, b इज 2.5 एंड व्हाट इज t1 इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में t2 माइनस t1 दैट इज 4 माइनस 2। अब देखो ये प्लस का 8.5 ये माइनस का 8.5 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 2.5 यहाँ 2.5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड में 4 माइनस 2 इज 2, तो ये हो गया 2.5 इंटू 16 माइनस 4 इज 12 डिवाइड में 2, इसको इससे कैंसिल कर दिया 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली एवरेज वेलोसिटी जो हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो याद करिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस क्षण जिस मोमेंट जिस इंस्टेंट पे हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, dx बाय dt, डिफरेंशियल कैलकुलस हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात dx बाय dt है और हमें दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ है x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं पहली बात तो, ठीक है, तो पुट करिए x क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइड में dt, ठीक है, ओके। अब देखो इसको सेपरेट सेपरेट कर दे, ये हो जाएगा dA बाय dt प्लस dBt स्क्वायर बाय dt, ये हो जाएगा, a इज अ कांस्टेंट 8.5 वैल्यू ना इसकी, ये कांस्टेंट है तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा जीरो, प्लस b कांस्टेंट है बट टी के स्क्वायर के साथ है तो बी पहले बाहर लिख देंगे हम, ठीक है, फिर लिखेंगे हम डी टी का स्क्वायर बाय डी टी। और मैंने इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी आपको समझाया कि क्या करते हैं हम, टू है तो टू पहले आ जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं डी ए बाय डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर बाय डी टी, तो दिस इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट के टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाएगा जीरो। अब बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन साथ में टी स्क्वायर, तो बी को हम लिखेंगे बाहर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा डी टी स्क्वायर बाय डी टी, ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो, ये आ गया बी। अब मैंने अभी अभी आपको डी टी स्क्वायर का आपको क्या बताया था, डिफ्रेंसिएशन बताया था कैसे करते हैं, क्या होता है डी एक्स एन अपॉन में डी एक्स अगर करते हैं तो एन पहले आता है x, फिर क्या होता है x की पावर n माइनस 1 आता है, तो यहाँ पे n क्या है 2, तो 2 पहले आएगा, फिर t और t की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा b 2, t की पावर 2 माइनस 1 इज 1, t की पावर 1 इज t, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 2 पहले लिख दो 2bt, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी 2bt, फाइन, तो ये वेलोसिटी आ गई, कौन सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही हमने कैलकुलेट करी है। अब चाहिए हमें वेलोसिटी एट टाइम टी 0 सेकेंड्स, तो फॉर टी
जीरो सेकेंड्स के लिए। तो जब टी को हम जीरो पुट करेंगे तो टू पुट करो, बी की वैल्यू क्या है 2.5, टी की क्या है जीरो, तो वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी जीरो मीटर पर सेकेंड। यही मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस में बताया था कि टाइम जीरो नहीं ले सकते, जीरो को अप्रोच कर रहा हो, जैसे ही टाइम जीरो हुआ वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। और इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका वो आपको बता रहा है कि इस टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। टाइम को वन पुट करो तो वेलोसिटी निकल जाएगी, टू पुट करो तो वेलोसिटी निकल जाएगी, 0.001 पुट करो तो वेलोसिटी निकल जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें दो वैल्यूज पे निकालने को बोला, एक जीरो पे और एक टू पे। अब फॉर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स उसके लिए निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू 2bt। तो 2, b इज 2.5 एंड t इज 2 सेकेंड्स, 2 2 जो 4 एंड 4 को ऐसे करेंगे तो ये आएगा आपके पास 100। यहाँ इसको ऐसे करते हैं कैंसिल करके, ये हो जाएगा 5 को ऐसे करने से 5 2 जो 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल 3.2। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सेलरेशन टॉपिक। थैंक यू।